गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था, रिएक्शंस चल रही थी आपके फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें आपके चल रहे थे टाइप ए बी, आपका कंप्लीट हो चुका था, जिसमें आपका होता था रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। ठीक है, इसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों की रिएक्शन होती थी। उसमें आपने चार पार्ट पढ़े थे, एक एडिशन रिएक्शन थी आपके पास में, ठीक है, एक था रिमूवल ऑफ H2O, एक था आपके पास में रिडक्शन, और एक था आपके पास में क्लोरीनिकेशन, ठीक है, क्लोरीनीकरण। और जो आपके पास में टाइप बी था, उसमें आपने पढ़ा था, वो था आपके पास में रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ओनली। उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देन हमने उसके बाद में पढ़ा था टोलन रिएजेंट से अभिक्रिया पड़ी थी, है ना। टोलन रिएजेंट याद आ रहा होगा क्या होता है आपके पास में, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, टोलन अभिकर्मक कहते हैं। तो उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा था। देन आपने फिर एल्डिहाइड का क्या करा था, अब क्या था आपके पास में, फेलिंग रिएजेंट था। फेलिंग रिएजेंट क्या है आपके पास में, क्या था आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट, तथा आपके पास में क्या था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, उससे रिएक्शन कराने पर आपने पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किया था। क्लियर है भाई, सभी को याद होगा, है ना, अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था। ठीक है, सारा ये सारा हम मैंने बोला था रिविजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शन, क्योंकि ये आपके पास में रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझना है आपने। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब ही है आपके पास में समझना, है ना, कि जब तक आप रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझोगे आपको उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने अच्छे से आप पेपर में कर पाओगे, वरना सारा कंफ्यूजन सारे आप क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है ना। तो इसी के साथ में एक सुंदर सी लाइन मुझे ध्यान आ रही है कि आपने देखा होगा जब आप बचपन में थे, मतलब जब आप छोटे रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे फर्स्ट क्लास नर्सरी में गए, फिर LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ क्लास तक आपने देखा होगा आप पेंसिल से लिखते थे, है ना, लिखते थे आप पेंसिल से। देन जैसे ही आप फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में, तो सिक्स तक तो कंपल्सरी हो जाता है कि सभी ने पेन से लिखना है। तो किसी को पता है ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि क्यों यहाँ पे हमें पेंसिल की जगह आपका पेन पकड़ाया जाता था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा आपको पेंसिल के साथ में क्या मिलता है, इरेजर भी मिलता है, है ना, कि अगर आपसे गलती हुई तो आप उसे इरेज कर सकते हो, लेकिन जब आपको पेन दिया जाता है इसका मतलब है कि अब आपका जो गलती आप करोगे उसको मिटाया नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है कि आपको गलती ही नहीं करनी है, ये मतलब होता था। क्लियर, तो अब हम स्टार्ट करने, यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलत करी रिएक्शंस तो आप दोबारा फिर भूल जाओगे, गलत कर दोगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार किया होगा, अगर आपने पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत कर दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने छेड़ा और उसको गलत कर दिया, तो आप पूरा आपका क्या हो जाएगा एग्जाम में, आप पूरा वैसे प्रेशर, मतलब प्रेशराइज हो जाएगा आपके लिए, आप कर नहीं पाओगे फिर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, है ना। तो क्या करना है, रिविजन करना है, रोज प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है। एक और चीज क्या है, आपने देखा होगा टॉपर्स को, ठीक है, अपनी क्लास में भी देख लेना, टॉपर्स क्या होते हैं आपके पास में, वो ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन उनकी एक अच्छी आदत होती है कि वो रोज पढ़ते हैं, चाहे वो कुछ ना कुछ पढ़े। तो जितना ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा उतने ही आप क्या कहलाएंगे, उतने ही ज्यादा आप ज्ञानी होंगे, है ना, मतलब अगर आपको नॉलेज होगा अच्छा खासा तो कोई भी आपको पूछेगा, है ना। अगर आपके पास में नॉलेज ही नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा आपको। आपने देखा होगा कि जब तक हमें, एक और चीज कि जब तक हमें सफलता मिलती है, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, कोई हमें, कोई रिश्तेदार भी नहीं बोलता कि हाँ, कोई ढंग से भी नहीं बोलता कि हाँ ये हमारा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, है ना। और जैसे ही आप क्या बन गए आपके पास में, आप टॉपर बन गए या आप बहुत अच्छी पोस्ट में चले गए, कहीं आप साइंटिस्ट बन गए या फिर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बोलते कि हाँ वो हमारा रिलेटिव है, वो हमारा बेटा लगता है, ये लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ते आने लग, रिश्ते जुड़ने लग जाते ना। तो ये कब होगा, जब आप मेहनत करोगे, मेहनत तो बहुत जरूरी होता है। तो अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, है ना। ये आपने सारा, ये लगभग 16 जो आपके पास में रिएक्शंस थी आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली, बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू, एल्डिहाइड से करा, कीटोन से करा, है ना। तो इसको भी
भी प्रैक्टिस में करते रहना, इसीलिए मैं बार बार ये चार्ट ला रही हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, कि हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली है भाई। वरना ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट करा देती तो क्या होता उससे भाई, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या होता, आपको क्या हो जाता है दिक्कत, मतलब आप भूल जाते कि हाँ भाई इतनी रिएक्शंस भी है, इनको करना भी है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा आपके पास में ऑर्गेनिक में सबसे लंबा चैप्टर यही हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शंस हो जाती हैं और कहीं वो रिएक्शंस आपके दिमाग में बिल्कुल हावी ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा ईजी मैथड किया है ना, कि यहाँ पे आपके पास में टाइप ए बी सी डी करा, जिससे आपको पता चले हाँ इन रिएक्शंस को ऐसे किया जाता है। लगभग कुछ रिएक्शंस आपने जैसे मैथ्स में देखा होगा ना, क्या होता है आपके पास में फॉर्मूला होते हैं और उससे रिलेटेड आपके पास में 9-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं एक ही फॉर्मूले से, तो तब आपको मजा भी आता है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया ना, आप आराम से करते हो उनको, 9-10 क्वेश्चंस को आप आराम से करते हो बिल्कुल मजेदार, तो क्या सोचते हो अरे यार मुझे तो आ गया, मजा आ गया, मुझे तो आ गया ये, है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे भी सेम एज इट इज करना है, एक ही फॉर्मेट है, टाइप ए में एक ही फॉर्मेट है, टाइप बी में, टाइप सी में एक ही फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे ये चार्ट बनाया है, वर्गीकरण करवाया है। वरना तो क्या होता, मैं सीधा आपको डायरेक्ट ये चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती, मैं डायरेक्ट करवा देती आपको, फिर क्या हो जाता समझ में नहीं आता, इतने अच्छे से नहीं आती ये रिएक्शन। चलो भाई तो बढ़ते हम आपके पास में पिनाकोलन और पिनाकोल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कैनिजारो हो गया आपके पास में, आपने जैसे ही थंबनेल में देखा होगा आपके पास में क्या था, आपका एल्डोल संघनन था, है ना, कैनिजारो था और पिनाकोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ इन तीनों, अगर हम इतने इसमें जितने रिएक्शंस पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिनाकोलन पिनाकोल रिएक्शंस क्या होता है आपके पास में, जब पिनाकोलन क्या है आपके पास में, कीटोन, ठीक है, क्या है आपके पास में, हाँ ये आपका टाइप सी चल रहा है ना, तो इसमें क्या है रिएक्शन ड्यू टू कीटोन ऑनली, केवल हमने किसके साथ में जो भी रिएक्शंस हो गए आपके कीटोन के साथ में होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, जब पिनाकोलन कीटोन के दो अणु मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है, क्या है आपके पास में MgHg मैग्नीशियम अमलगम के द्वारा अपचयित होते हैं, तो क्या बनाता है आपके पास में डाई हाइड्रोक्सी एल्केन बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं पिनाकोल कहते हैं। यहाँ पे आपके डाई हाइड्रोक्सी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, क्या है यहाँ पे आपके पास में, आपने अल्फा बीटा पढ़ा होगा, है ना, तो यहाँ पे आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन आएगा, बीटा हाइड्रोजन आएगा, कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें आपके पास में फॉर एग्जांपल आपके क्या है, आपके पास में CH3 है, ठीक है, और ये है आपके पास में CH2, ठीक है भाई। तो ये वाला आपका जो पहला वाला हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जो आपके पास में कार्बन, यहाँ पे आपके पास में एक और मॉलिक्यूल्स होगा, मान लो यहाँ पे ये CHO, ठीक है, क्या आपके पास में ये है CHO, तो यहाँ पे जो ये पहला वाला कार्बन होगा, इसका जो ये हाइड्रोजन होगा ये कहलाएगा आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन, और जो यहाँ पे ये वाला होगा ये वाला बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है आपके पास में, 2, और बीटा की कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। इसी तरीके से आप अल्फा हाइड्रोजन पढ़ोगे, बीटा हाइड्रोजन पढ़ोगे, तो इसको भी समझ गए ना, क्या कौन सा आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, कौन सा बीटा हाइड्रोजन हो गया, क्लियर हुई बात। कहीं पे हो सकता है आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 हो, है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका क्या हो यहाँ पे CH3CHO हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे आपकी कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी, ठीक है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है, अब आगे आएगा आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है, पहले ही आपको आगाह किया जा रहा है क्या है। तो डाई हाइड्रोक्सी एल्केन बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं पिनाकोल कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही कर लेना, पाइनकोल मत पढ़ लेना, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पाइनएप्पल, पढ़ा होगा ना आपने पाइनएप्पल पढ़ा होगा भाई, है ना, अनानास को बोलते हैं ना पाइनएप्पल, तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको क्या पाइनकोल मत पढ़ लेना, ठीक है, क्या है ये पिनाकोल है, क्लियर। चलो भाई तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आपने क्या लेना है, कि दो अणु किसके लेने हैं, आपने कीटोन के लेने हैं, तो ले लो भाई दो अणु कीटोन के, तो क्या होता है आपके पास में, हमने ले लिया यहाँ पे आपके पास में एसीटोन, ठीक है, तो मैंने ले लिया ये CH3, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ आप क्या लिख देना CH3CO CH3 एसीटोन, क्लियर। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने, 2 मॉलिक्यूल्स लेने, ओके ले लेते भाई CH3 C डबल बॉन्ड ओ और ये आ जाएगा आपके पास में CH3।
ठीक है भाई, यहाँ पे आपके क्या लेने हैं, यहाँ पे आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, क्लियर। अब इनका क्या होगा, आपके पास में इनका होगा अप चेन प्लस क्या करना है, इसके दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में इसका क्या करना है, क्या बोला, द्वारा अपचयित होते हैं। तो अपचयन तो हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन आएगा, क्लियर। ओके देन आ गया आपके पास में, ठीक है, थोड़ा हम इसको इधर इधर लिख लेते हैं स्पेस ताकि पूरी रिएक्शन आपकी ढंग से आ जाए, ठीक है। तो लिख दिया मैंने पहले तो दो मॉलिक्यूल्स, लिख लो आप CH3, सी आपका CH3, ठीक, डबल बॉन्ड ओ प्लस आपका क्या आ जाएगा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, चलो भाई प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स हमने किसके लेने, हाइड्रोजन के लेने, क्यों लेने, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, उपस्थिति लिख देना है, किसकी है, मैग्नीशियम अमलगम की, MgHg, क्या है ये, मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में इसको क्या करना है, इसका अपचयन होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, क्लियर, डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, उन बॉन्ड की जगह आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है भाई, उन बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगी फिर आपकी रिएक्शन, यहाँ पे ये होगा आपका CH3, ठीक है, सी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OH, क्लियर, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में CH3, क्लियर भी बात। और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली थी तो ये किसके, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है भाई, ये हो गया सी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये एक CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक OH इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में CH3, है ना, इजी, बहुत इजी है। इसको बोलते हैं पिनाकोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिनाकोल, और ये क्या है आपके पास में, इसको बोलते हैं पिनाकोलन, क्लियर। क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा तो वैलेंसी खाली हो गई, क्लियर हुई बात, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पिनाकोलन, मतलब हिंदी में तो इसको ऐसे लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, पिनाकोलन पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पिनाकोल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में पिनाकोल, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, है ना, पीना कॉल, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का भी पापा यही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो भाई मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, पीना कॉलन, ठीक है, ये पीना कॉलन क्या है आपके पास में, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको दिमाग में छाप लेना भाई। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, कि जब हमने क्या करा, पिनाकोलन की क्या कराई, अभिक्रिया कराई, सॉरी, या आप क्या बोलो कि जब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स का अपचयन करा मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, पिनाकोलन प्राप्त हुआ, क्लियर हुई बात, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको, पिनाकोल प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ पिनाकोल, पिनाकोलन से। तो आएगा आपके पास में क्वेश्चन कि कैसे प्राप्त करेंगे पिनाकोलन से आपका पिनाकोल, ठीक है, या क्या होगा जब पिनाकोलन का अपचयन होगा मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में, बहुत इजी है, आ गया समझ में। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा O के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, दोनों ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी खाली होती है, तो ये कार्बन क्या हो जाता है, दोनों आपस में ही क्या बना देते, एक सिंगल बॉन्ड बना देते, तो ये क्या बनाता है आपका, पिनाकोल बना देता है। आगे देखते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मैंने जिस हिसाब से लिखा था थोड़ा सा यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने रिएक्शन विद आपका ना ठीक है भाई 18 में ही है वो, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसके बाद टाइप डी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म है, योगात्मक उत्पाद बनते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब आप बोलो कि आपने तो बोला था, क्या बोला था मैंने कि एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगी आपकी, कराया था ना मैंने आपको, आपका टाइप ए में कराया था, एक पहला जो एडिशन रिएक्शन था, तो आप बोलोगे आपने वहां पे क्यों नहीं कराया, तो मैं
कोई बता सकता है मैंने क्यों नहीं कराया होगा? क्योंकि ये रिएक्शन आपकी जो क्लोरोफॉर्म की होगी ये किसके साथ में होती है? केवल एल्डिहाइड के साथ में नहीं होती है, केवल कीटोन के साथ में होती है। और जब मैंने एडिशन रिएक्शंस कराई थी वहां पे वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ में हो रही थी। क्लियर? तो ज्यादा दिमाग भी मत लगाना, ठीक है भाई? चलो भाई, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है? चलो कर देते हैं। क्या लेना है? कीटोन। तो मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में CH3, ठीक, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या ले लिया, CH3। क्या है ये आपके पास में? कीटोन, ठीक है? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है? योगात्मक को याद आ रहा किस प्रकार से लिखते थे हम? ऐसे लिखते थे ना, कुछ इस तरीके से, CH3, ठीक, C यहाँ पे आपका CH3, और डबल बॉन्ड में आपका क्या जाता था, ऑक्सीजन आ जाता, ठीक है? इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? CH, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा आपका? Cl3। या आप क्या लिखो, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको लिख देते भाई हम ऐसे HC, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या देना, Cl3 लिख देना, ठीक है? Cl3, ठीक है? क्या हो गया ये? CHCl3 हो गया। या आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है? अब बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, ठीक है? ठीक है भाई, क्या हुआ? तो यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक, और यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर? क्या हुआ, यहां से ये वाला बॉन्ड और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये बनाता है आपके पास में योगात्मक। तो ये बनेगा आपका CH3 एज इट इज रहेगा, ये वाला CH3 भी एज इट इज रहेगा। ओ के साथ में क्या जुड़ गया आपका? एच जुड़ गया। क्लियर? अब जब यहां से हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये इस कार्बन के साथ में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये हो गया आपके पास में योगात्मक उत्पाद, ठीक है? क्या हो गया ये आपका? योगात्मक उत्पाद, ठीक है? लिख देना यहाँ पे योगात्मक उत्पाद। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे? योगात्मक उत्पाद प्राप्त हुआ। ये क्या था आपके पास में? एसीटोन, एसीटोन। और इसको तो हम, इससे तो हम अच्छे से रूबरू हैं। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म, जिसे हम निषेचक के रूप में यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म को। क्लियर? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, आगे जो भी आपकी रिएक्शन होंगी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। क्या है आपके पास में? डी स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है? और यहाँ पे पहला आ जाता है, पहला आपके पास में क्या आ जाता है? हाँ, इसके इसमें था आपका, ठीक है? ये जो आपका डी वाला था इसमें कर, इसमें था अल्फा बेटा वाला, ठीक है? इसमें लिख बता देती हूँ मैं आपको, आपका किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा अल्फा बेटा को होता है, ठीक है? चलो भाई, अल्फा बीटा, सॉरी बेटा नहीं, बीटा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, जब आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है? तो CH2 होगा और यहाँ पे आपका CH3 होगा, ठीक है? यहाँ पे मान लो कोई सा भी कंपाउंड है, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये कहलाएगा आपका बीटा हाइड्रोजन। और आपका जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जब आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इस बात को नोट कर देना, ठीक है? व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज अल्फा, या चलो हिंदी में लिख लेना, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? 2। तो देन बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोजन आपका कितना होगा? 3, ठीक है? दूसरी, अगर अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन आपका 3 हो गया तो बीटा कितना होगा? 0 होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसमें इतना ही था, मतलब आगे है रिएक्शन से, केवल ये इसमें अल्फा बीटा वाले हाइड्रोजन आपको, वरना आप बोलते कि कहां से हमारा अल्फा आया और कहां से बीटा आया, ठीक है? चलो भाई, बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या है आपके पास में? आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन, या इसे क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन भी बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में भी लिख देना, बाकी यहाँ पे हाँ लिखा रखा है, ठीक है? यहाँ पे भी लिख रखा है आपका एल्डोल संघनन। क्लियर भी बात? तो देखते हैं एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका जो टाइप डी था इसमें आपके पास में कुछ स्पेशल रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड के साथ भी होंगी और कीटोन के साथ भी होंगी। देखते हैं किस प्रकार से होता है, कि जब किसी युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु किसी प्रबल क्षार, ठीक है? क्या है आपके पास में, कि जब आपके पास में एल्डिहाइड
और दूसरा क्या हो गया कीटोन के दो अणु क्या करते हैं किसी प्रबल छाल की उपस्थिति में संगमित होते हैं, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो उसको कि वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। इसे कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम एल्डोल कहते हैं, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। लिख लेना, ठीक है, क्या है आपके पास में कि जब किसी युक्त, आपके क्या है, जब किसी युक्त एल्डिहाइड या आपका जो कीटोन है इसके दो मॉलिक्यूल्स की क्रिया किसके साथ में, किसकी उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्डोल बनते हैं, एल्डोल कंपाउंड बनते हैं, है ना। तो इस क्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, एल्डोल संघनन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संघनन मतलब वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संगनित हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं हम किस प्रकार से होता है यहाँ पे आपके पास में। तो यहाँ पे आपका दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका किसका, एल्डिहाइड का, तो ये होगा आपका CH3CHO, क्या है ये आपके पास में, एसिटाल्डिहाइड, इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने, ठीक है, CH3CHO, क्लियर। अब क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, इसकी उपस्थिति में क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार ले लिया मैंने यहाँ पे NaOH, NaOH, या आप कोई दूसरा प्रबल क्षार भी ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना प्रबल क्षार, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, प्रबल क्षार, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके संघनित हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, है ना, जब ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो यहाँ पे इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, तो तब ये क्या हो जाएंगे, आपका जो H है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाती है यहाँ पे, पूरी हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है आपका CH3C, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है OH, क्लियर, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या आएगा यहाँ पे आपका, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हुआ था, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है ना, क्या जुड़ा होता है, इस तरीके से होता है ना आपका CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ से आपका जो, ठीक है, यहाँ से आपका जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और इसकी क्या हो जाती है, एक वैलेंसी खाली हो जाती है, एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाता है आपके पास में, कार्बन की भी एक वैलेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होती है, दूसरे किसकी वैलेंसी खाली हो जाती है, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहां से आपके पास में एक H किसके साथ में जुड़ जाता है, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका, एक H किसके साथ में जुड़ जाता है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पे आपका जुड़ जाता है, तो ये बनाता है आपका CH3COH और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है H, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा ये CH2, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CHO, ठीक है भाई, देख लो सारे पूरे हो गए, CH3OH ये आ गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये CHO ये एज इट इज रहेगा, इस पे नहीं छेड़ना, ठीक है, क्लियर, चलो आई बात समझ में, ये क्या हो गया आपके पास में। आप यहाँ पे देखो क्या बोला था मैंने, जब आपका क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन की संख्या दो होगी तो क्या होगा, बीटा कितना होगा, तीन होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये कहलाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये होगा आपका बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा बीटा, ये क्यों रख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने क्या करना है, नाम लिखना है, नाम लिखोगे ना तो नाम क्या आएगा इसका, नाम बता दो भाई, नाम आएगा इसका, नाम क्या आएगा इसका, नाम आएगा आपके पास में बीटा, क्या है OH कहाँ पे जुड़ा है आपके पास में, इधर साइड में बीटा हाइड्रोक्सी में, ठीक है, तो क्या होगा OH होता है तो क्या पता है आपको, बता रखा ना, जब OH सिंगल होता है तो क्या हो जाता है आपके पास में हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एसीटोन एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल कब आएगा, जब एल्डिहाइड होगा, अब अगर कीटोन होता तो वो भी देखेंगे हमें, ठीक है, या आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको क्या इतना ही लिख देना, बीटा हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एल्डोल आ जाएगा, क्लियर भी बात, ठीक है भाई, ये आ जाएगा,
ठीक, क्या हुआ यहाँ से एक बॉन्ड टूटा आपका, ठीक है, और यहाँ से क्योंकि इस वाले की हमने इसको इससे इसके साथ में जोड़ना था, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला हाइड्रोजन आपका इसके साथ में जुड़ जाता है। या आप किस तरीके से देखो कि आपका ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया और हाइड्रोजन आपका दूसरा वाला एज इट इज रहा। क्लियर, क्लियर भी इतनी बात, ठीक है। अब हम किसके साथ में देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कीटोन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन के साथ में आपका, ठीक है, या आप इसको चलो कीटोन के साथ का भी देख ही लेंगे यार, ठीक है, कीटोन के साथ का भी हम इसमें देख लेते हैं। तो कीटोन ले लो आप, कीटोन में आपने क्या ले लेना है, दो मॉलिक्यूल्स किसके ले लो आप, दो किसके ले लो आप, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स किसके ले लोगे आप, एसीटोन के ले लोगे, ठीक है, तो ये आपने लिख देना यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकेंड आएगा आपके पास में ये ले लेते हैं। अच्छा, अगर एक और चीज है यहाँ पे, अगर हमने क्या लिया यहाँ पे आपका, दो अणु लिए ना, अगर हम एक अणु लेते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक अणु लेते तब किस प्रकार से होता, ठीक है, तब हम इसे देखते हैं किस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, अगर हम दो एक ही मॉलिक्यूल्स लेते तो क्या रिएक्शन होती, नहीं होती यार, कैसे, तब कुछ होता ही नहीं यहाँ पे आप, अभी इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा कि एक ही रिएक्शन केवल हमें बोला गया है किसके लेने, दो अणु ले लें तो एक मत लेना, ऐसे नहीं कि गड़बड़ कर देना, ठीक है। अब हम दूसरा एसीटोन का देखते हैं, चलो भाई एसीटोन का भी देख ही लेते हैं, वैसे मैं सोच रही थी आपको होमवर्क दूँ पर मुझे पता है आपने करना है नहीं, है ना, तो खुद ही करवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो एसीटोन का ले लेते हैं यहाँ पे, तो एसीटोन का लिया मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में CH3, इसके दो मॉलिक्यूल्स सी, ठीक है, CH3 आ जाएगा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी आपका CH3, ठीक है भाई, ये एज इट इज जैसे यहाँ पे हुआ था एज इट इज यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना आपका NaH कास्टिक सोडा या सोडा लाइम, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे लिख देना प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है। यहां से भी क्या होता है आपके पास में, इसका जो ये वाला है इसके एक हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, और ये दो डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो ये होता है आपका CH3 C, यहां पे आपका OH आ जाएगा, यहां पे आपका क्या आ जाता है CH3, ठीक है भाई, ये वाला CH3, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, या आप इसको CO भी लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पे भी लिख दो, कौन सा भाई, कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, नाम लिख लो, नामकरण, ठीक है। तो नामकरण में क्या होगा, यहाँ पे आपका, हाँ ये आपका क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और या हम इसे क्या बोलेंगे, या हम इसे एल्डोल बोलेंगे, एल्डोल संघनन है ना, एल्डोल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा आपके पास में, कीटोन, या यहाँ पे इसको बोलेंगे कीटल कीटोन, ठीक है, यहाँ पे यह आ जाएगा आपके पास में कीटोन, या अगर आपको ये नाम याद ना रहे बाई चांस की बात करें तब आप क्या लिख देना, या क्या लिख देना आप, कीटल, ठीक है, वैसे नाम याद कर लेना आप, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अल्फा और बीटा वाला, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में CH3 CHO, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स लेने हमने, पहले एल्डिहाइड का लिया, एज इट इज आपके पास में क्या आया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, जब कीटोन का लिया तो क्या आया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या हम इसे क्या बोलेंगे, कीटल, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका, एल्डोल कहलाएगा। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात, ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपके पास में। अब आएगा आपके पास में क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, उसको भी देखेंगे। अभी तो हमने क्या करा, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, समान सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, सेम हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे भी एल्डिहाइड, अब हम क्रॉस्ड में क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे एक कीटोन लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, तब देखते हैं क्या होता है। ले लिया होगा भाई सभी ने स्क्रीनशॉट, चलो बढ़ते हैं अब आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपके पास में, क्रॉस्ड
एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्या है, जब एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया दो असमान मॉलिक्यूल के मध्य होती है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर, किसके मध्य होती है, जब एक अणु हमारा एल्डिहाइड का हो गया, एक अणु हमारा किसका हो गया आपके पास में, कीटोन का हो गया। अब हमने क्या लेना, असमान, तो असमान मैंने ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया मैंने एसिटल्डिहाइड, चलो दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में एसीटोन, दूसरा क्या ले लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में एसीटोन, तो इनकी रिएक्शन होगी, ठीक है, उपस्थिति वही रहेगी आपके पास में यहाँ पे NaOH, ठीक है, NaOH की क्या रहेगी आपके पास में यहाँ पे उपस्थिति रहेगी। तो अब यहाँ पे भी आपके क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा आपके पास में CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OH, ये आ जाएगा आपके पास में CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, या आप क्या करो यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, है ना, एसीटोन का ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, तो तब आएगा ये आपके पास में CH3C हो गया, और यहाँ पे OH CH3 आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में CHO, ठीक है। अगर आप यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख देना, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, जब स्ट्रक्चर में ऐसा था तो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, इसकी वैलेंस निकाली, इसकी वैलेंस निकाली, कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। क्या है भाई इसका नाम, नाम नाम जल्दी से बता दो क्या लिखोगे नाम, ठीक है, तो नाम में क्या आएगा, देखो ये क्या है आपके पास में, ये आपका अल्फा, ठीक है, क्या है आपके पास में अल्फा, ये क्या है बीटा, अभी तो देखा था हमने, ठीक है, यही आया ना आपके पास में, सेम वही आया, तो क्या आएगा बीटा हाइड्रोक्सी आपका क्या जाएगा वहां पे एल्डिहाइड। क्लियर, नाम लिख देना, ठीक है, ये आपका एक एल्डिहाइड हो गया, एक क्या हो गया आपका कीटोन हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया एल्डिहाइड, ये क्या हो गया आपके पास में कीटोन, या आप क्या लिख देना इसको, ये लिख देना आप एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और यहां पे आप क्या लिख देना इसको कीटोन लिख देना, सॉरी एसीटोन, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड आ जाएगा। क्लियर, क्या आएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्लियर, ठीक है, ये हो गया आपके पास में क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास में कैनिजारो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास में इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास में जो हमने सबसे पहले करी थी पीनाकॉल, फिर आपका क्या करा था एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल याद रहेगा तो आप क्रॉस्ड वाला भी कर लोगे, और कैनिजारो याद रहेगा तो आप क्रॉस्ड कैनिजारो भी कर लोगे। तो जब किसी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अभी पढ़ा ना अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्या बोला कि जब ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसके दो मॉलिक्यूल्स NaOH के साथ में क्रिया करते हैं, एक अणु ऑक्सीकरण, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है आयोडीन एस्टर में, तथा आपका दूसरा अणु अपचयन अल्कोहल में हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जाता है हो जाता है, इसे क्या कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अभी आपको अगर आपके पास में क्या आएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएं, तो आपके क्या लिखोगे, एक आपका अल्फा हाइड्रोजन में होता है जो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, और एक क्या होता है आपके पास में कैनिजारो, वो क्या होता है आपका उसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, या आप क्या लिख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। क्लियर, क्लियर है सभी को, लिख देते हैं, ठीक है, लिखो भाई, एक ले लो आप यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेने हमने यहाँ पे, किसके लेने आपका एल्डिहाइड का लेना है, कौन सा लोगे जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसका मतलब हम एक ही तो मॉलिक्यूल्स है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो लिखो क्या लिखोगे HCHO, है ना, यही तो होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने, तो HCHO, ठीक है, HCHO। अब यहां पे इसके क्रिया किसके साथ में करानी है, NaOH के साथ में करानी है, ठीक है, क्या बोला है NaOH के साथ में करानी है क्रिया, पहले वाले में क्या था उसकी उपस्थिति में प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराते थे, इसमें तो इसके साथ ही करानी है, ठीक है भाई, इसके साथ हमने क्या करानी है क्रिया करानी है, तो यहां पे आपके पास में, हाँ, ये आपका सोडियम होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण करके सोडियम एस्टर,
सोडियम होगा, ये एस होगा सोडियम, ठीक है, आयोडीन नहीं आएगा क्योंकि हम तो एनओएच ले रहे हैं ना, तो आयोडीन कहाँ से आ जाएगा, सोडियम आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया आपकी। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है भाई, ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। यहाँ से तो आपका ये जो सी एच टू है, ठीक है, सी एच टू ओ, ठीक है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, एन ए ओ बच गया, ठीक है, क्या बचे, एन ए ओ बच गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हुई है, किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई, इतना हुआ। अब यहां से भी आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन वाला, है ना, और यहां से भी आपका क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो जाता, सॉरी, ये आपका ये वाला हाइड्रोजन निकलता है यहां से, केवल ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, तब आपका बचा यहाँ पे H और यहाँ पे C, और आपको पता है किसकी वैलेंसी खाली होती है, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है ना, और ये हो जाता है आपके पास में यहाँ पे, ये आ जाता है आपका ओ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ओ आपका ऐसे ही रहता है, ठीक है, और ये ओ है ना, ये बना आपका क्या बना, ये बना सोडियम एस्टर, क्लियर, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ आपके इस ये वाला हाइड्रोजन आया ना इधर, तो ये क्या बनाएगा, इसके इसके एक वैलेंसी खाली थी, तो ये क्या बनाएगा, सी एच थ्री ओ एच, तो क्या है, मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या बना, सोडियम एस्टर, क्लियर, ये प्राप्त हो आपको। समझ में आया कौन सा बॉन्ड टूटा, किस तरीके से हुआ आपके पास में, ठीक है भाई, समझ गए सब, चलो भाई लिख दो आप फटाफट से कर दो। अब आपको जिसको समझ में ना आए उसको मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, है ना, जिसको आगे समझ में वो लिख डालो, ठीक है, एच सी एच ओ, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो यहां से दो हाइड्रोजन इधर आ गए, है ना, दो हाइड्रोजन क्या आ गए, इधर आ गए। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका एच सी ओ ओ एन ए, क्लियर, क्लियर हुई बात। यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, यहां से आपके पास में कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा था, उसका एक बॉन्ड टूट जाता है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो जाती है, तो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली, एक हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा आपके पास में CH3OH, ठीक है, इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, ये है आपके पास में सोडियम एस्टर, ये क्या है, सोडियम एस्टर, ठीक है, इसको भी यहाँ पे करेक्ट कर देना, आयोडीन नहीं आएगा वहां पे, सोडियम आएगा, ठीक है, सोडियम एस्टर, ठीक है, इसको लिख देना, ये क्या है आपके पास में, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे कि आपने अभी तक क्या करा, ये थे अरे आपका एरिल वाला, है ना, सॉरी एल्किल था ना, एल्किल था। अब हमने क्या लेना है आपके पास में, क्रॉस्ड वाली है, जो आपकी क्रॉस्ड है, इसमें हम देखो कीटोन तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि कीटोन में क्या आता है, आपका अल्फा हाइड्रोजन आता है, तो इसने क्या बोला, आपने केवल क्या लेना है, आपने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की क्या हो, अनुपस्थिति हो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक एरिल कंपाउंड, क्या ले लेंगे यहाँ पे हम, एक एरिल कंपाउंड ले लेंगे। तो एक लिया मैंने आपके पास में यहाँ पे, एक एल्किल कंपाउंड ले लिया, एक एरिल कंपाउंड ले लिया, तो मैंने ले लिया एक फॉर्मल्डिहाइड एच सी एच ओ, क्लियर, दूसरा ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, दूसरा क्या ले लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड, या आप इसको क्या लिख दो, बेंजल्डिहाइड को, चलो बेंजीन, और आप क्या कर देना इसको, इसमें सी एच ओ लिख देना, ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते थे, सी सिक्स एच सिक्स और सी एच ओ, ये लिख दे, लिख सकते थे, ये क्या है आपके पास में, बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड, प्लस आपका एन ओ एच भी आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा आपके पास में, एन ओ एच भी आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी वही होता है, सेम होता है आपका, यहाँ पे आपका वही बनता है एस एच सी ओ एन ए, मतलब सोडियम एस्टर बना प्लस, ठीक है, वही होगा, एक हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये वाला एच हटेगा, ठीक है। अब इसके एक यहाँ से एच वाला आपका वैलेंसी खाली हो गया इस एच के, है ना, और यहाँ से भी एच, दो एच हो गए, तो एक जुड़ेगा आपके पास में कार्बन के साथ में, एक जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन के साथ में, तो ये बनाएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये बनाएगा आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, क्या बनाएगा आपका, सी एच टू ओ एच, क्लियर हुई बात, ठीक है।
ठीक है भाई, लिख दिया आपने। एक आया आपके पास में एल्किल कंपाउंड, ठीक है, इसको लिख देना आप एल्किल कंपाउंड, एल्किल कंपाउंड। नाम पता है आपको, फॉर्मल्डिहाइड है, वो भी लिख देना, ठीक है। ये है आपके पास में एरिल कंपाउंड, एरिल कंपाउंड। आप क्या लिख देना, एरिल यौगिक भी लिख देना, ठीक है। एरिल को एरिल ही बोलते हैं, कंपाउंड, क्लियर। या क्या लिख दोगे, बेंजल्डिहाइड लिख दोगे, ठीक है। यहां पे आपको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एस्टर। क्या प्राप्त हुआ आपको, सोडियम एस्टर आपको प्राप्त हुआ, क्लियर भाई सभी को, ठीक है। चलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं हम फिर आगे क्या है आपके पास में, ठीक है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से। आगे है आपके पास में, आप देखो यहाँ पे, आप बोलो ये वाली रिएक्शन जो है ना, मैंने आपके वहां पे नहीं लिखाई थी, आपको चार्ट में मैं लिखाना भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी, इस रिएक्शन को भी देखेंगे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है ये भी आपके पास में, ठीक। नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, ठीक है, एक बार ये पढ़ने में भी नहीं आता, ठीक है। मैं भी जब पढ़ती हूँ उसको, तो मेरी जो टंग जीभ है वो भी क्या हो जाती है, कभी कभार स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, टिस्केंको, मतलब ऐसी है, टिस्केंको का है कि क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अच्छे से मतलब तुम प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मेरे से होता नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, कि जब किसी एल्डिहाइड के दो अणु परस्पर एल्यूमिनियम एथोक्साइड, ये भी मैंने आपको बता रखा है, इसका सूत्र भी अच्छे तरीके से बता रखा है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड का, की उपस्थिति में जल अपघटित होते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है, तथा आपका अल्कोहल बनाता है, जो परस्पर क्रिया करके क्या बनाता है आपके पास में, इसमें भी क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, टिस्केंको कहते हैं, ठीक है, टिस्केंको रिएक्शन कहते हैं, टिस्केंको, टिस है, टेन ही है, टी है ये आपके पास में, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आपके पास में, क्योंकि ये तो आपके पास में जो नाम वगैरह, ठीक है, आपने जो इंडिया में नाम सुने होंगे और जो आप दूसरी कंट्री के नाम सुनते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, वो पढ़ते कुछ और है, लिखते कुछ और है, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत हमारे उसमें भी होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने ऋतिक सुना होगा, तो ऋतिक में क्या आता है आपका, एच पहले आता है, ठीक है, एच आर आई टी आई के, है ना, ऐसे कुछ है ऋतिक का नाम। अब इसे कोई पढ़ेगा तो इसे क्या पढ़ेगा, ऋतिक पढ़ेगा ना, जबकि जैसे आपने ऋषिकेश सुना होगा, ऋषिकेश में भी पहले एच आता है, ठीक है, तो उसे ऋषिकेश नहीं पढ़ते, ऋषिकेश ही आएगा। तो इसी तरीके से है यहाँ पे भी, ठीक है। चलो फिलहाल हम केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, कि जब किसी एल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, आप ले लो यहाँ पे सी एच थ्री सी एच ओ, इसके हमने कितने मोलिक्यूल्स लेने आपके पास में, दो मोलिक्यूल्स लेने, ठीक है। अब हमने क्या करना है उसके बाद में, कि एल्यूमिनियम एथोक्साइड, सॉरी फिर से मेरी जीभ स्लिप हो गई, क्या है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। अब मुझे पहले तो बता दो आपके पास में, कि जो आपका एल्यूमिनियम एथोक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी को पता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको जब उपस्थिति कराई होगी किसी रिएक्शंस में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में आएगी, ठीक है। तो याद आ रहा भाई किसी को, कुछ ऐसा था, एल ए एल था, यहाँ पे आपका ओ था, ठीक है, सी एच थ्री, और यहाँ पे आपके पास में क्या था, सी एच टू सी एच थ्री, कुछ इसी प्रकार से था आपके पास में, ठीक है। ये होता है आपका एल्यूमिनियम एथोक्साइड, या आप क्या लिख देना इसको, आप लिख देना यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्या आ जाएगा आपके पास में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड, इसको लिख देना, ठीक है। अगर बाय चांस क्या हो, आपको उपस्थिति याद ना हो, या आपको आपके पास में आपको फॉर्मूला पता ना हो, ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, सी टू मतलब ए एल सी टू एच फाइव भी लिख दोगे, ये भी सही माना जाएगा, क्लियर। उसका होल ट्वाइस कर देना, ठीक है, उसका क्या कर देना, होल ट्वाइस कर देना, क्योंकि इस प्रकार से भी था ना वो आपके पास में, या आपका क्या था, ये था, या आप सिंपल सा उसको यही कर देना, होल ट्वाइस कर देना उसका, ठीक है। चलो भाई, इसका क्या कर दोगे आप, होल ट्वाइस कर दोगे यहाँ पे, इसको भी ऑक्सीजन को भी सही कर देना, ठीक है। बाकी इसका मैंने बता रखा है आपको, तो भूलने की बात नहीं है उसमें, इसको ट्वाइस कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब आपका क्या होता है आपके पास में एल्डिहाइड और के दो मॉलिक्यूल्स की किसी की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्या कराई जाती है, क्रिया। तो क्या बनता है आपके पास में, आपका बनता है एसिटिक एसिड सी एच थ्री, ठीक है, क्या बनता है आपके पास में, सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस आपके पास में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अच्छा हाँ, पहले हम इसको देख लेते हैं ना किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास में क्या होता है,
देखो यहां से आपका जो एक ओ है ये इधर आ जाता है, ठीक है, जो आपके पास में इसके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो आपके पास में यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये कहाँ आ जाता है आपके पास में, यहाँ आ जाता है, तो ये बना देता है आपके पास में एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या बना देता है आपका एसिटिक एसिड CH3, ठीक है, ये देखो CH3 है ना, और यहाँ पे आपका क्या आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन, ये आपके पास में क्या हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन से दो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, तो जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है आपके पास में, ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से तब एक कार्बन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बना देता है आपके पास में CH3COOH बना देता है, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और चीज थी यहाँ पे, जल अपघटित था ना, ठीक है, जल अपघटन भी आएगा, तो मतलब यहाँ से इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो गया, H2O के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका H2O भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे H2O भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल से दो मॉलिक्यूल्स कर देती हूँ यहाँ पे H2O, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, दूसरा बनता है आपका C2H5OH, ठीक है, दूसरा क्या बनता है C2H5OH। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी क्या होती है, टू स्टेप में होती है, तो दोबारा हम इसका क्या करते हैं, इसके रिएक्शन होती है इन दोनों की, और यहाँ से H2O का निष्कासन होता है, ठीक है, तो ये बनता है आपके पास में, देखो यहाँ से ये H हट जाता है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका CH3, ठीक, COO, और यहाँ से आपका क्या आ जाता है, ये आ जाएगा CH2CH3, क्लियर भी बात, क्लियर भी, ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ पे आपके पास में, या आप इसको क्या लिख देना, C2H5 भी लिख देना, कोई गलत नहीं माना जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H2, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको इधर लिख देना, ठीक है, या आप कुछ इस तरीके से भी कर दोगे तो सही माना जाएगा, ठीक है, अगर आपने इधर भी लिख दिया तो आप इन दोनों को फिर आपके गिप्स करके आपके पास में ये एज इट इज आप इसको लिख देना, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एज इट इज क्या कर देना, आप इसको लिख देना, इसका नाम क्या है, नाम बता दो भाई, नाम क्या है इसका, इथाइल एसिटेट, क्या है इसका नाम, इथाइल एसिटेट, ठीक है, क्लियर हुई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो भाई आगे क्या है, क्लेमेंसन, क्लेंजन आपके पास में, क्लेंजन है, सॉरी क्लेमेंसन नहीं है, क्लेंजन स्मिट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे आपके पास में यहाँ पे डी साइलेंट है, ठीक है, ऐसे मत बोलना कि मैंने गलत लिखा है या मैं गलत पढ़ रही हूँ, स्मिट ही पढ़ते हैं, क्लेमेंसन स्मिट, ठीक है, क्लेंजन स्मिट रिएक्शन, ठीक है, तो क्या है यहाँ, इसको भी देखते हैं आपके पास में क्या है, जब एसिटोफिनोन, ठीक है, क्या है आपके पास में, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग होती है ना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है CO, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है CH3, है ना, यही होता है आपका एसिटोफिनोन, ये हो जाता है, ठीक है, क्या दो अणु BOH होल ट्वाइस की उपस्थिति में संघनित होते हैं, इसमें भी क्या है, संघनित होते हैं, तो आपका क्या बनता है, एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेंजन स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं आपके पास में, यहाँ पे एसिटोफिनोन के होते हैं, ठीक है, तो हमने इसको क्या ले लिया, दो मॉलिक्यूल्स आ गए आपके यहाँ पे एसिटोफिनोन के, क्लियर, CH3, ठीक है, उपस्थिति जरूर लिख देना, भूलना मत, क्या आता है उपस्थिति में, उपस्थिति क्या है यहाँ पे, BAOH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या होगा इसका बताओ भाई, क्या है आपके पास में, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या बनता है आपके पास में, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, मतलब यहाँ से आपका जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, और आपके पास में यहाँ से ये वाला कार्बन इसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है आपके पास में, ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका ये बनेगा, ये भी बेंजीनिंग है, केवल मैंने इसको रोटेट किया है, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा सी, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है, किसमें, जैसे आपने कैनिजारो में पढ़ा था, एल्डोल संघनन में पढ़ा था, सेम एज इट इज वही है, ठीक है, CH3, ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH, ठीक है, यहाँ पे सॉरी CH2 आएगा वहां पे, ठीक है, CH2, अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा ना, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसको थोड़ा हम, वरना हमारी रिएक्शन पूरी नहीं आ पाएगी वहां पे OH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो क्या है आपके पास में, ये बेंजीन रिंग हो गई,
क्या है यहाँ पे आपका सी कार्बन हो गया, और यहाँ पे इसके इसी में क्या होता है आपका OH जुड़ा होता है, यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ा होता है CH3 जुड़ा होता है, यहाँ पे आपका CH2, ठीक है। फिर ये आपका क्या होता है यहाँ पे सी कार्बन एज इट इज रहता है, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये बेंजीनी, इसे बोलेंगे। देखो अब इसका देखो, ये देखो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में बीटा हो गया, है ना, ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया, तो क्या नाम आएगा इसका, आएगा आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्लियर भी बात, क्या आ जाएगा आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या है आपके पास में एसिटोफिनोन, क्या है आपके पास में एसिटोफिनोन। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में जेम डाइक्लोरो एल्कीन बनते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद किसके साथ में करानी है आपने, PCl5 के साथ में, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे आपके पास में, मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर्मल सॉरी एसिटाल्डिहाइड ले लेती हूँ मैं, तो ले लिया मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है, इसकी क्रिया करानी है PCl5 के साथ में, तो ये Cl इधर आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास में ये आ जाएगा PCl3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में कि ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है आपके पास में, ये आपका क्या बना देगा यहाँ पे आपका क्या जाता है POCl3, ठीक है, POCl3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की दो वैलेंसी, तो ये बनाता है आपके पास में CH3, ठीक है, सी, और यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका क्लोरीन, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ गया क्लोरीन, क्लियर भी बात, ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो CH3CHCl2, ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो, क्लियर भी बात। ये क्या है आपके पास में जेम डाई क्लोरो एल्कीन, एल्केन सॉरी, ठीक है, क्या आएगा एल्केन आएगा यहाँ पे, जेम डाई क्लोरो एल्केन, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता तब आता कीन ना, ENEA तभी जुड़ता है आपका, ठीक है, क्लियर भी बात, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो आपकी जो 25 की 25 रिएक्शन है, ठीक है, सारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी रिएक्शंस आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई 25-25 रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइप ए कंप्लीट हो चुका है, टाइप बी कंप्लीट हो चुका है, टाइप सी भी कंप्लीट हो चुका है, टाइप डी, अब आपका क्या काम क्या है आपका, आपने सबको अच्छे से क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, सबका अच्छे से रिवीजन करते रहना भाई, भूलना मत इनको, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको 100% दिया है, पूरा आपका 100% यहाँ पे मैंने आपको दिया, हर एक आपको रिएक्शंस कराइए, मैं चाहती तो मैं यहाँ पे छोड़ सकती थी, या मैं आपको सीधा सिंपल आपका शॉर्टकट करा देती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता ना पेपर में आपके लिए, उसमें आपको दिक्कत होती। तो आपने इन 25 की 25 रिएक्शंस है जो आपके पास में, कितनी है आपके 25 रिएक्शंस है, इनको अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है, अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है भाई। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन 25 रिएक्शनों को, बिल्कुल मजे से, तो मजा तो आया ही होगा आपको, है ना, स्टार्टिंग में लगा होगा क्या है यार, बेकार ही ली होगी केमिस्ट्री, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, दोबारा आप अगर उसको रिवीजन करोगे तो, सही बता रही हूँ मैं आपको, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये टफ है, मतलब इजी कर लो, आसानी से कर लोगे सारी रिएक्शंस को, बड़े बिल्कुल मजेदार, आप मजे से उनको आसानी से आप उनको कर लोगे। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।